नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताज़ा खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश कर्मचारियों के लिए एक सरकार ने बड़ी एडवाइजरी जारी की है, जिसके चलते इन कर्मचारियों को सख्त सावधान रहने को कहा गया है। तो क्या यह तमाम खबर रहेगी आपके समक्ष, जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो HRTC के 876 रूट ठप, 403 बसें फंसी, बारिश में थमे गाड़ियों के पहिए, ड्राइवर कंडक्टरों के लिए एडवाइजरी जारी। भारी बारिश के कारण हिमाचल में HRTC समेत निजी बसों के पहिए थम गए हैं। इसके कारण प्रदेश भर में यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है। HRTC से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश भर में HRTC के 806 बस रूट प्रभावित हुए हैं। इन रूटों पर बसें नहीं चल पाई, ऐसे में प्रदेश के हजारों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं जगह जगह भूस्खलन के कारण HRTC के 403 बसें फंस गई हैं। भारी बारिश को देखते हुए HRTC प्रबंधन ने चालक परिचालकों से आग्रह किया है कि सावधानी पूर्वक बसें चलाएं, ताकि किसी प्रकार का हादसा पेश न आए। HRTC प्रबंधन की ओर से चालक परिचालकों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। HRTC की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि यदि रूट पर चलते हुए ज़्यादा बारिश हो जाए तो बस को किसी सुरक्षित स्थान पर खड़ा कर लें, बस को जबरदस्ती पार करने की कोशिश न करें। दूसरी ओर प्रदेश के सभी DM ने बस अड्डा प्रबंधन व चालकों को प्रबंधन द्वारा जारी एडवाइजरी जारी करने का निर्देश जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त चालकों को कहा गया है कि बरसात के दौरान रूट में अधिक परेशानी आती है तो इस संबंध में संबंधित डिपो के अधिकारियों से भी सहायता ले सकते हैं और रूट पर आ रही परेशानी साझा कर सकते हैं। तो अभी के लिए यही है बड़ी विशेष खबर कि हिमाचल प्रदेश में HRTC बसों के 876 रूट ठप पड़े हैं, तो 403 बसें जो है बीच में फंस गई हैं। तो ड्राइवर कंडक्टरों के लिए सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाने के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। तो अभी के लिए यही है बड़ी खास खबर। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।